खरगोन जिले के ग्राम सेगांव में पिछले 4 दिनों से उल्टी दस्त का प्रकोप जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 35 से 40 मरीज उल्टी दस्त के भर्ती हैं और अस्पताल के वार्ड भी फुल हो चुके हैं। मरीजों को मैटरनिटी वार्ड में भर्ती करना पड़ रहा है। आज जिला चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर रमेश नीमा व डॉक्टर सुनील वर्मा ने सेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मरीजों के हाल जाने, साथ ही पेयजल के लिए आ रहे पानी का स्रोत का निरीक्षण भी किया। नीमा ने बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए BMO डॉक्टर हरि सिंह जाटो और स्वास्थ्य अमले को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि दूषित पानी पीने से उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। उल्टी दस्त के मरीज यहाँ पे काफ़ी आ रहे हैं। मैं जब आया तब सिर्फ वह सिंगल व्यक्ति था, उसके बाद आधे घंटे के अंदर अंदर कम से कम 30 से 40 मरीज आ गए हैं। क्या डॉक्टर के द्वारा ये बताया गया है कि पानी उबाल के पियो, उसमें क्लोरीन की गोली डालो, पानी में कहीं ना कहीं क्या उल्टी दस्त के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। अस्पताल की व्यवस्था और इसके रोकथाम के पूरी व्यवस्था देखने के लिए हमने प्रयास किया, उसी के लिए मैं और मेरा टीम यहाँ पर आई हुई है। हमने यहाँ के हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हैं, ब्लीचिंग क्लोरीन सभी पर्याप्त मात्रा में है और ब्लीचिंग जो कुएँ जिसमें पंचायत जिस कुएँ से सप्लाई कर रहे हैं पानी का, उसको भी हमने ब्लीचिंग करवा दिया है। सर, ये उल्टी दस्त के मरीज एकदम से किस कारण बढ़े सर? सर, ये कारण तो संभवतः है क्योंकि पानी सभी पूरे एरिया से आ रहा है, तो एक कोई शादी ब्याह या इस तरह का कोई मामला नहीं है। यहाँ पर पूरे सेगांव से अलग अलग क्षेत्र से आ रहा है, तो पीने के पानी में कहीं ना कहीं कंटामिनेशन होने